नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह झांसी एसएसपी शिवहरि मीणा का दरबार है, जो उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर जा टेंट में बैठने की व्यवस्था की है। फरियादियों से देख सकते हैं आप किस तरह से सीधे संवाद कर रहे हैं, उनकी फरियाद सुन रहे हैं। दरअसल शिवहरि मीणा ने बीते दिनों फैसला किया था कि वह कार्यालय में न बैठ कर कार्यालय के बाहर जो टेंट लगाया गया है उसमें सीधे फरियादियों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और क्या परेशानी है, किस स्तर पर परेशानी आ रही है उसका निदान करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि आज एसएसपी के पास कई सारे लोग एक साथ फरियाद लेकर पहुंचे। कुछ मामले ऐसे थे जहां कार्रवाई अच्छे स्तर पर हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी लोग शिकायत करने पहुँचे तो इस पर एसएसपी ने उन्हें डांटा भी कि थोड़ा सब्र करें और कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि यह लोगों की जो समस्या है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर दरबार में पहुंचे हैं एसएसपी के पास। एसएसपी ने बताया है कि थाना स्तर पर जो और चौकी स्तर पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और वह सीधे एसएसपी के पास फरियाद लेकर आ जाते हैं। फिलहाल सभी समस्याओं को एसएसपी ने बहुत धैर्य से सुना और संबंधित लोगों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। यह बुज़ुर्ग हैं जो अपनी पीड़ा सुना रहे हैं एसएसपी को कि किस प्रकार से उनकी समस्या है और क्या वह निदान चाहते हैं। ऐसे कई लोग थे जिनके समस्याओं को एसएसपी ने सुना और इस बारे में उन्होंने हमारे संवाददाता से बात की, उन्हें बताया कि किस प्रकार से जो समस्याएँ हैं उनके निदान के लिए पहल की गई है और हम क्या और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मार्केट संवाद के लिए मनोज दुबे की रिपोर्ट, झांसी। जो भी समस्या है उसका निवारण।